एनआरसी सीए बिल यानी नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछले एक महीने से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देश की जनता भी ठान ली है, जब तक बिल वापस नहीं लेंगे तब तक लोग इसका विरोध करते रहेंगे। हर स्टेट में प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, आसाम, सभी जगहों पर प्रदर्शन जारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, महिलाएं प्रदर्शन में बड़ी हिस्सा बन रही हैं। एक तरफ शहर शहर में नागरिकता संशोधन कानून का प्रदर्शन जोरों पर है और दूसरी तरफ सरकार भ्रम दूर करने के लिए कोशिश कर रही है। हालांकि न सिर्फ गृह मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं उनकी सरकार ने एनआरसी पर कोई विचार नहीं किया है, जिस पर जनता सवाल पूछ रही है, फिर एनपीआर क्यों ला रही है। एनआरसी का पहला कदम है एनपीआर, फिर उसके बाद एनसीआर, जिसको लेकर पूरे देश में मचा है घमासान। और इसी तरह महाराष्ट्र के भिवंडी के धामन नाका धोबी तालाब स्टेडियम में आज दोपहर से एनपीआर एनआरसी सीए का विरोध करने पहुंचे भारी तादाद में लाखों लोग। हमारे संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने आए इस विरोध प्रदर्शन में लोगों से बातचीत की है, पहले आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रहार टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख, हम मौजूद है महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भारी तादाद से एनआरसी और सीएए के विरोध कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मोमिन परवेज। आज यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है एनआरसी और सीए का, तो आप इस पर क्या बोलोगे? हम यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर जो पब्लिक आज जमा हुई है, ये एक एकता है हमारी और इसमें काफ़ी हिंदू और मुस्लिम की एकता है। और सीए एनआरसी और इंशाल्लाह इसको हटा के लेंगे। ये हिंदुस्तान है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसमें हमारे बाप दादा का, हमारे लोग का खून शामिल है और ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जगह जगह पर एनआरसी सीए का धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या आपको लगता है कि सरकार मुसलमान के हक में कितना सही करेगी और कितना गलत? सरकार मुसलमान के हक में कुछ काम नहीं कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ वो जो भी है आरएसएस के लोग हैं और ये नरेंद्र मोदी, इनके जो भी है, इनकी तादादी कितनी है इनकी। और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम जो हमारे भाई लोग हैं वो भी हमारा साथ दे रहे कंधे से कंधा। आप देख सकते हो स्टेज के ऊपर लोग बाहर बाहर से आए हैं और ये इंशाल्लाह हमारी जीत होएंगी और ये हमारे को पूरी उम्मीद है एनआरसी उनको वापस लेना पड़ेगा। अगर पुराने कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो ही यहाँ पे मुस्लिम रह सकते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? अरे पुराने डॉक्यूमेंट्स हम लाएंगे कहाँ से? जैसे बिहार ले लो, आसाम ले लो, वहाँ हमेशा सैलाब आता है, कभी कभी जो है आंधी तूफान जो भी आता है सबका बह जाता है। और ये जो सिर्फ जो कानून आया है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ और जो है दलित के खिलाफ और जो आदिवासी उनके खिलाफ आया है। जो 3% जो है, ये जो 3% ब्राह्मण है, ये पूरे हिंदुस्तान में यही लोग राज करना चाहते हैं और इसके लिए आज हम यहाँ जमा है। और ये अल्लाह का कर्म है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज यहाँ पर सब जमा है और सब अपना विरोध दिखा रहे हैं यहाँ पर, और ये चीज़ हम यहाँ होने नहीं देंगे किसी भी हाल में। जिस तरह सरकार सोच रही है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे, लेकिन अब इस जो धरना प्रदर्शन हो रहा है एनआरसी के बारे में और सीए के बारे में, इस धरना प्रदर्शन में तो हिंदू भी काफ़ी भारी तादाद से मौजूद है, इस पर आप क्या कहोगे? ये इनकी राजनीति है, हिंदू मुस्लिम लड़ा के अलग करो। बार बार ये कोई बात होती है तो सीधा पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान में प्याज 200 महंगी बिक रही है। अरे बाबा, यहाँ हमारे हिंदुस्तान में खाने को प्याज नहीं है और तुम वहाँ की बात करते हो। कोई बात होगी तो सीधा हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, लेकिन ये जो इनकी चाल थी वो ख़त्म हो गई। आज यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता सब दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह सब मिल के ये साथ करेंगे और एनआरसी एनआरपी सीए यहाँ लागू नहीं होने देंगे। ये जो इलाका है भिवंडी का, सेम शाहीन बाग के जिस तरीके से इलाका दिख रहा है, यहाँ पे काफी भारी तादाद से लोग नारे लगा रहे हैं और कुछ महिला हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। धरना प्रदर्शन पे आज आप यहाँ पर आए हो, तो आपको क्या लगता है, आपकी सुनवाई होगी? सरकार आप इस मुसलमानों के खिलाफ कितना सही करेगा और कितना गलत? सुनवाई होगी और होकर रही है। भारत के दस्तूर ने हमको हक दिया है, हमारा राइट है, जैसे दूसरे लोगों का राइट है हमारी भी होगी। हम अपने घर बार बच्चे छोड़कर आए हैं यहाँ पर ताकि हम आज़ादी का मुतालबा करें। ये जो कानून है
ये एक तरह से गुलामी का ही कानून है, ये हमको और दलित लोगों को यहाँ से हिंदुस्तान से निकालने का कानून है। हम इसके खिलाफ वर्जी करते हैं, हम इसको नहीं मानते। नो NRC, नो NPR, नो CA। तो आपने सुना नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किस तरह से लोग कर रहे हैं। अब हर जगह शाहीन बाग की तरह मिसाल बन रही है और महिलाएं इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं। महिलाएं ठान ली है NRC, NPR, CA का विरोध करेंगे और कर रही हैं। इस प्रोटेस्ट में तमाम तरह के बैनर पोस्टर लेकर लोग धोबी तालाब पर इकट्ठा हुए, बिल वापस लेने के लिए सरकार का विरोध कर रही हैं, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।